I'm super excited to binge watch all my favorite movies and more. Subscribe to Shimaru Me. आप महारानी बनकर राजमहल में रहेंगी। दुनिया की नजरों में आप हमारी पत्नी जरूर होंगी, मगर आपके शरीर पर हमारा कोई अधिकार नहीं होगा। ये राजपूत का वचन है। ऐसा लगता है मैं उनके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ऐसी हालत में मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। कुछ देर के लिए हम परेशान तो गए थे कि हमारा वंश कैसे चलेगा, लेकिन आपने हमारी वो चिंता भी दूर कर दी। आपका बेटा हमारा धर्मपुत्र होगा। लेकिन आपसे एक अनुरोध है, हमारी और हमारे वंश की मर्यादा के लिए आप कभी किसी पर यह राज जाहिर नहीं होने देंगे कि आपकी औलाद असल में हमारी औलाद नहीं है। भैया। महाराज, मैं अपनी बहन से राखी बंधवाने आया हूं, अगर आपकी आज्ञा हो। अवश्य। भैया, ये आपकी दशा कैसे? क्या बतलाऊं बहन, अपने कर्मों का फल पा रहा हूँ, अपने किए की सजा भुगत रहा हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि पाप मैंने किया है और सजा इसे मिल रही है। भाभी, 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 अपने भूल का प्रायश्चित करना भी एक महानता है सतपाल सिंह। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए और आज से आप यही रहेंगे। हाँ भैया। नहीं बहन, नहीं, मैं कमीना इस काबिल नहीं। एक प्रार्थना है तुमसे, जब तो तुम्हारी भाभी के बच्चा नहीं हो जाता, इसे दासी समझ कर अपने चरणों में जुट। कैसी बातें करते हो भैया? हम युद्ध पर जा रहे हैं सतपाल सिंह, जब तक हम वापस नहीं आएंगे आपको हमारी महारानी का ख्याल रखना। इतना बड़ा मान, इतना बड़ा सत्ता। सतपाल सिंह, लाओ हमें इसे, हमारा बेटा। हम इसे यहाँ का राजकुमार बनाएंगे, मुकुट पहनाएंगे, तख्त पर बिठाएंगे, हम इसे यहाँ का राजा बनाएंगे। राजा। सरकार की जय हो, महारानी को लड़का हुआ। लड़का हुआ है? मेरा पहला भांजा, मेरी मौत का सामान। मेरा बेटा है, राजा बनेगा। ओह, ताईमा, रानी माँ को फिर से दर्द शुरू हो गया क्या? मेरे पहले भांजे, तेरे हाथ से मेरी नहीं, मेरे हाथ से तेरी मौत होगी। तेरे मुबारक हो रानी माँ, दूसरा भी लड़का पैदा हुआ। अरे राजकुमार कहाँ गया? राजकुमार, बास, हे राम, रानी माँ, रानी माँ, आपका पहला बच्चा पंछी उठा के ले गया। नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग कैसे भी करके मेरे बच्चे को वापस लाओ। सुनिए, बच्चे को कहाँ ले जा रहे हैं? अपने बेटे की तकदीर बनाने। बहन, काश वो पंछी मेरे बेटे को ले जाता, मैं और रुक्मिणी अपने कलेजे पर पत्थर रख लेते, तेरा ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। दोनों बच्चे साथ साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, एक जैसी शक्ल, सूरत, नहा नक्शा। आ जाओ, राजकुमार को आराम करने दो।
होने दूंगी। अरे चुप बैठ, बड़ी आई पाप वाली। जब मेरे पिताजी ने राजपाट छीन कर मुझे दरबदर कर दिया था, उस सब पाप का एहसास किसी को हुआ था? अब मेरा बेटा राजकुमार बनेगा और ये नवाब ज्यादा उसकी गुलामी करेगा। मेरे बेटे के सर पर मुकुट रखा जाएगा और ये नवाब ये जूते साफ करेगा और मैं चैन की नींद सोऊंगा। क्या है दन्नो? ये परिंदा किसका बच्चा रखा लाया? बच्चा किसका? पता नहीं। देखा, हम 9 महीने से इस आदमी की सेवा कर रहे हैं, आज उसके बदले में भगवान ने तेरी सुनी गोद भर दी। अरे होश में आ गए? बड़ा भाग्यवान है ये बच्चा, इतने महीनों से कोई भी वैद्य इन्हें अच्छा नहीं कर सका। इस बच्चे के घर आते ही इन्हें होश आ गया। आप लोग कौन है? मैं लोहा रामदीन हूँ। आप करीब 9 महीने से मेरे यहाँ बेहोश पड़े। क्या, 9 महीने से? जी हाँ, आप हमें नदी किनारे जख्मी हालत में मिले थे। हम आपको जानते हैं, आप शिकारी ज्वाला सिंह है ना? जी, हम आपको आपके घर ले गए थे लेकिन वहाँ कोई नहीं था। नहीं, आपको जख्मी हालत में अकेला छोड़ना अच्छा नहीं समझकर हम आपको यहाँ लाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरे मेरे घर में कोई नहीं था। जी नहीं। कहाँ जा रहे हैं आप? किसी को ढूंढने। तेरा हक तुझे को मिलेगा, मेरे बेटे को नहीं। To get access to blockbuster Bollywood movies, subscribe to Shimaru Me now.